कहीं और शायद मैंने सकारात्मक विचार को बकवास कहा था क्योंकि कुछ लोग सकारात्मक विचारों से आध्यात्मिक बनने की बात कर रहे थे ऐसा संभव नहीं है पर सही विचारों से आप जीवन की छोटी चीजों को जरूर बदल सकते हैं है ना क्या यह कहना जरूरी है आपको पता है है ना आया हाँ ना सही विचारों से क्या आप जीवन की कई चीजों को नहीं बदल सकते जरूर बदल सकते हैं तो व्यक्तित्व को बदलना अपने कपड़े बदलने जैसा है अगर आप अपने कपड़े बदल लें तो आप लोगों को अलग लगने लगेंगे हाया ना हाया ना बिल्कुल है ना तो अपना व्यक्तित्व बदलना इतना सरल है अपने कपड़े बदलने जैसा आप लोगों को अलग लगने लगेंगे क्या आपने देखा है कि अगर आप एक पहनावे से दूसरा पहनावा अपनाते हैं तो अचानक लोग आपको अलग मानने लगते हैं है ना तो आप अपने विचार के इस्तेमाल से ऐसा जरूर कर सकते हैं पर अगर आप विचारों से परम को छूने की सोच रहे हैं तो यह समय की बर्बादी है क्योंकि विचार उसे गढ़ने लगेंगे व्यक्तित्व तो वैसे ही गढ़ा गया है तो आप उसे दूसरा रूप दे सकते हैं ट्रूथ इज नॉट अप सो इफ यू मेक इट देन यू लाइंग टू यूर सत्य को गढ़ा नहीं जाता अगर आप उसे बना रहे हैं तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो जीवन कई आयामों में मौजूद है किसी एक आयाम से सामना होने पर खुद को उलझाए मत जीवन के अलग अलग पहलू हैं है ना एक शरीर है आपको इसे एक तरीके से चलाना होता है अगर मैं कहता हूं कि भौतिक बहुत, बहुत सीमित है तो मतलब क्या अपने शरीर को काटकर फेंक दें नहीं जब मैं कहता हूं कि मानसिक प्रक्रिया बकवास है यह आपको कहीं नहीं ले जा सकती तो इसलिए कहता हूं कि आप आध्यात्मिक सवाल पूछ रहे हैं पर व्यक्तित्व एक सामाजिक चीज है यह सामाजिक है है ना सामाजिक रूप से आपका मानसिक ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है, है ना नहीं क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है यह बहुत महत्वपूर्ण है तो यह आपके जीवन के विभिन्न पहलू हैं अगर आप परम तत्व को अपने मन में तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं सो द प्रोसेस ऑफ लिविंग हियर तो जीवन जीते हुए आप सरल को बहुत जटिल बना सकते हैं या आप जटिल को सरल बना सकते हैं आपका लक्ष्य क्या है जो जटिल है क्या हमें उसे सरल बनाना चाहिए या जो सरल है उसे हमें जटिल बनाना चाहिए आपका लक्ष्य क्या है क्योंकि जीवन एक छोटी सी घटना है आप इस कम समय में जीवन को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं है ना? यह इंसान की बुनियादी इच्छा है कि वो मूल रूप से जीवन को गहराई से जीना चाहता है बस यही बात है शायद कोई सोचता हो कि पैसा मिलने से ऐसा होगा कोई सोचता हो परिवार होने से या सत्ता मिलने से ऐसा होगा पर सभी बस जीवन का एक बड़ा हिस्सा पाना चाहते हैं है ना? जीवन का बड़ा हिस्सा तभी मिलेगा जब उस तक आपकी पहुंच होगी कोई सोचता है अगर मेरे पास बहुत पैसा हो तो मैं कुछ पालूंगा कोई सोचता है अगर मेरे पास शक्ति हो तो मैं कुछ पालूंगा कोई सोचता है अगर मेरे पास प्रेम हो तो मैं कुछ लूंगा मूल रूप से आप कुछ पाना चाहते हैं है ना आप जीवन को यू वॉन्ट एक्सपीरियंस गहराई से अनुभव करना चाहते हैं या तो आप ऐसा घुमावदार तरीकों से कर सकते हैं या सीधे तरीके से इसे कम शब्दों में कहें तो हाल ही में अमेरिका में एक लोकप्रिय रेडियो चैनल पर मेरा इंटरव्यू था मैं फोन पर था तो एंकर ने पूछा सब गुरु क्या आप एक लाइन का संदेश दे सकते हैं तब मैंने कहा आप एक लाइन चाहते हैं तो सुनिए नो बुल जैस लिविंग बकवास नहीं बस जीवन एक पंक्ति जो अध्यात्म समझाती है वो बस ये है बकवास नहीं बस जीवन बस यही फिलहाल आप चारों ओर से बकवास से घिरे हुए हैं आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप बकवास हटाकर सीधे जीवन के संपर्क में आ जाइए यही अध्यात्म है अगर आप कुछ नहीं समझे तो बस इतना समझिए बकवास नहीं बस जीवन